कोविड 19 महामारी से बचाव को लेकर छको पंचायत में सैनिटाइजिंग का काम किया गया। नैनादेवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने सैनिटाइजिंग के लिए हर पंचायत के लिए सैनिटाइजर और पीपीई किट को भिजवाया है, जिससे छको पंचायत में सैनिटाइजिंग किया गया। बीडीसी चेयरमैन ओम प्रकाश गौतम ने 6 पंचायतों में सैनिटाइजर और सैनिटाइजर किट भेजी है, जिसके चलते सभी पंचायतों को सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र, हिमाचल ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तमाम हर तरह की सब्जी व अन्य दुकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस काम के लिए विभिन्न पंचायतों के युवक काम कर रहे हैं। जिला सोलन के साथ लगती कैंची मोड़, जहां पर सोलन और बिलासपुर जिला की पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, उस जगह को भी युवाओं द्वारा सैनिटाइज किया गया। कैंची मोड़ में हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है तथा प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। पुलिस कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बड़ी तत्परता से अपने कार्य को अंजाम भी दे रहे हैं। सभी का उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हो सके इस कोरोना महामारी से समाज के अलावा गांव, कस्बे, जिला और प्रदेश के साथ साथ देश को मुक्त किया जा सके। हमारे सम्माननीय नैना देवी के विधायक श्री रामलाल ठाकुर जी ने जिला बिलासपुर की नैना देवी चुनाव क्षेत्र में अपना जितना भी उनका चुनाव क्षेत्र है उसमें सैनिटाइजेशन के लिए कार्य अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। उसी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने नम्होल से जो है सैनिटाइजेशन लाया और छको, सोलधा, साईखारसी, सायडोभा, रानी कोटलता, सुई सुरहाड़ में अपने कार्यकर्ताओं के पास किया। उसके बाद आज हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा हमारे समाज सेवी श्री हरराम ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी के किसान दल के महासचिव श्री हेमराज ठाकुर जी तथा वर्तमान में श्री राजीव महाजन जो कोषाध्यक्ष है ब्लॉक के, उनके साथ हमारे युवा कांग्रेस के नेता श्री अंकुर अवस्थी जी, श्री बाबूराम गौतम जी, श्री राजेंद्र ठाकुर जी, श्री राजकुमार जी, हम सब लोगों ने सुबह से मलोखर मार्केट में सैनिटाइजेशन किया। बैंक, हॉस्पिटल और जितने भी मलोखर में छको पंचायत के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें सैनिटाइजेशन किया। उसके बाद हम कैंची मोड़ में गए, जहां जिला बिलासपुर और सोलन की सीमा है, वहां पर हमने पुलिस वालों का जो कैंप है, बेस कैंप बनाया, उन्होंने सोलन बिलासपुर के पुलिस ने उसको सैनिटाइजेशन किया और वहां की मलोखी की मार्केट, और उसके बाद हमने ठारू घाट, छको, देवी घाटी और उसके बाद स्मोक कनेता, स्मोक ब्राह्मणा और क्यारन पंचायत घर, ये सारे क्षेत्रों में आज हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। हमारा सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि ये जो सैनिटाइजेशन का कार्य है इसमें हमारा सहयोग करें और हम तमाम जनता से अपील करते हैं